वही अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ अंतर्गत ग्राम मिर्ची दादर में एक मामला सामने आया है, जहां बताया जा रहा है कि खेल खेल में स्कूल के दो बच्चों के हाथों में विस्फोटक पदार्थ डायनामाइट सेल लगने से विस्फोट हो गया है। बता दें कि विस्फोट के होने से कई बच्चे घायल हुए हैं। वही विस्फोट की आवाज इतनी तेज हुई कि आवाज के सुनते ही स्कूल के बच्चों में डर का माहौल बन गया। इसके बाद के आसपास के ग्रामीण इकट्ठा हो गए और तुरंत 108 को फोन लगाकर बुलाया। अनूपपुर से संवाददाता ओमकार सिंह की रिपोर्ट। बच्चे दानों में कहीं से पा गए थे, वहां पास जाके वो पत्थर से फोड़े हैं तो विस्फोट हो गया ही, इससे जख्मी हो गए। कितने बच्चे जख्मी हुए हैं? दो बच्चे। कहाँ कहाँ चोट आई है? जांघा में, एक तो आंख में लगा है, जांघ में, पैर में। स्कूल में टीचर कोई नहीं थे क्या जो कि बच्चों नहीं, को नहीं, नहीं आ पाए, नहीं आ पाए थे उस समय। तो टाइम के उतने समय कितना रहा जो कि टीचर नहीं आए थे? 10 बजे। 10 बजे। क्या क्या नाम है बच्चों का? क्या क्या नाम है? संजय सिंह और यश राज। इसके बाद फिर आपने इलाज के लिए किसको फोन लगाया था? 108 में फोन लगाया। 108 जल्दी आ गई थी जी। संतुष्ट हैं आप 108 आई है तो? जी जी।